की कृपा ना होना तो इस पंडाल में तो छोड़ो और घर के बिस्तर में इसका नाम नहीं ले सकते अगर ये ना चाहे तो। आज का शुक्राना करना कि शुक्रिया मैया तूने अपनी जोत के आगे बिठाया। लोग कहते हैं हम कीर्तन में जाते हैं, कई लोग लोगों से सुनते हैं कि हम कीर्तन में जाते हैं, अरे मूर्ख है वो लोग जो ये कहते हैं हम कीर्तन में जाते हैं। अरे साहब आप कीर्तन में नहीं जाते, ये बुलाती है तब आप जाते हो, इसका हमेशा शुक्रिया ना करना। तो भैया ऐसे थोड़ी बैठे हैं, कुछ तो कारण होगा दरबार में बैठने का। के मैया पल के सबकी पूछी है दरबार में, पल के सबकी पूछी है दरबार में, पल के सबकी पूछी है दरबार में, पल के तुम्हारे दरबार में, पल के तुम्हारे दरबार में। अमृत रस मुरली बोले, अमृत रस मुरली बोले, आपकी मैया भजन भजन खत्म हो गए, एक बार अंतिम लाइन गा दीजिए कि मैया भगवान ही मिलकर ऐसा मनाया है, भगवान भी मिलकर और सब मनाया है, और सब मनाया है आपकी मैया जाइए, बसमी आपकी मैया जाइए, मैया जाइए, मैया जाइए। जिसने नहीं गाए गुड़ दोनों दोनों हाथ उठा लेना, अंतिम बार अंतिम भजन गाए नहीं गुड़ दोनों दोनों हाथ उठा दो, आ जा रे मैया माँ पाड़ा वाली की जय। आइए छोटा दर 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 कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जा, पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। कौन कौन पकड़ेगा आज मैया का, कभी मत करना कभी। बोला मैया आज मैं नहीं, आज तू मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि मैं पकड़ूंगा तो रिस्क है, क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी मेरी माँ हाथ पकड़ा कर, मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ा करता था और किसी मेले में जाता था, झूले देखता था, शोर देखता था, हाथ छुड़ा कर वापस भाग जाता था। लेकिन जब मेरी माँ हाथ पकड़ा करती थी मेरा, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन वो मेरी कलाई नहीं छोड़ी छोड़ा करती थी। और मैं जानता हूं माँ किससे जिम्मेदार, माँ इस संसार में कोई नहीं। अब बताओ कौन कौन पकड़ाएगा अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में, उठा देना बिल्कुल सीधे हाथ और मेरी तरफ अपनी माँ की ओर देखना और झूम कर देना माँ से, माँ और मेरे दस के पकड़ लो राम को बुलाया नहीं जा।
हाथ हाथ पकड़ेगी जब जब हाथ होंगे तो मतलब आ देना एक माह कितनी आई है और ये पहले बैठे कितने आए अब लोग भाग लेना हाथ लंबे लेके अरे मजाक से मार के राम की वन टू थ्री और मैं कहूंगा मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे आपकी आवाज आई मैया तेरे पीछे एक बड़ा एक आवाज आ रही है मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे और इतनी शोहरत और सम्मान मिला दे किसके पीछे अरे कोई हाथ उठा के बताओ ना कौन कौन माँ के पीछे चल रहा है एक माँ कितने आए आज पकड़ना पड़ेगा वन टू थ्री कहते हैं यहाँ बैठने का कारण है ऐसी थोड़ी बैठी है लोग यहाँ एक कारण है कि मैया तूने हर कदम पे मेरा साथ दिया तूने हर कदम पे मेरा साथ दिया है मेरा काम किया है मुझे नहीं पता साहब आप मुसीबत में रात को 12 बजे के समय किसी को बुलाओगे आएगा नहीं आएगा लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ हाथ उठा के कह दो बोले पाड़ा वाली माता तो और आएगा नहीं आएगा साहब ये पहाड़ से उतर कर जरूर चली जाएगी ताली बजाओ तूने हर कदम पे मेरा साथ दिया है तूने हर कदम पे मेरा साथ दिया है राम दिया है मेरा राम किया है राम दिया है मेरा साथ किया है ऐसे थोड़ी आज अठारवा कीर्तन आशुभ हुआ भाजी इसकी कृपा है विशेष एक बार ताली बजा देना वादो बड़े परिवार के बसोर जाता है कहते बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके घर में मेरी माँ विराजमान होती है और यहाँ पे साहब अठारवी बार आ रही है एक बार गड़गड़ाहट वाली ताली आई गया वन टू थ्री भैया साहब
कई मंडल तो ऐसे देखते हैं कि एक साल कीर्तन कराया उसके बाद पता नहीं, क्योंकि ये होती भेड़ चाल, कई लोग प्रेमी नहीं होती, कई लोग होड़ू होड़ चलते हैं।